खेलों के माध्यम से दुर्ग सहित छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे खिलाड़ियों ने अब खेल से जुड़ी सुविधाओं व इसकी सुरक्षा को लेकर दुर्ग कलेक्टर से साधन मुहैया कराने की लगाई गुहार। दुर्ग के शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में विगत 35 वर्षों से कुश्ती व भारोत्तोलन एवं अखाड़ा का अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें अभ्यास हेतु निम्न मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवार के छात्र छात्राएं एवं खिलाड़ियों सुबह शाम कड़े अभ्यास करते हैं और अभ्यास करने वाले छात्र छात्राएं एवं खिलाड़ी चंदा कर तथा दंगल खेल पर विजयी होकर मिले राशि मिलाकर बड़ी मुश्किल से कुश्ती से जुड़े सामानों को खरीद कर अपना अभ्यास कर रहे हैं। इसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते ही खिलाड़ी मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी गुहार लगाई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सुबह शाम पसीना बहाकर अभ्यास करते थे और अपने उक्त अभ्यास व आत्मविश्वास के आधार पर यहां के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर, खेलो इंडिया एवं शासकीय और अशासकीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विजय हुए हैं और दुर्ग का नाम रोशन किया है। वहीं किसी अज्ञात व्यक्तियों व असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त एकमात्र कुश्ती मेट को ब्लेड मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और लोहे के गेट चोरी कर लिए गए हैं एवं स्विच पंखा आदि चोरी कर ली गई है, जिस पर जाँच होने के साथ सभी खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग इस दौरान की गई। शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमन है या सुधर लेक पहुँचे हैं कि हमन खुद से मेट चंदा इकट्ठा करके या अपन कुश्ती दंगल जो लड़ लड़ के मेट ले रहे हैं ओमे भी आज फाड़ दे मेट लाओ। हमार बहुत से जो सामान है वो चोरी हो चुके हैं। हमारे इतना खेल के सामान के अभाव है, ते में हमन खुद से करथन ओला भी कोई चोरी कर लेते, ना कोई सुविधा भी नहीं है। एकर से पहले हमन 2-3 बार भी मांग रखे हैं अपन जनप्रतिनिधि नेता बनकर, वो मन बात ला सुनीस लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। और खेल खिलाड़ी अगर खेल के सामान ला देखे कि अपन खेल ला देखे, यही हमन अर्जी लेके कलेक्टर साहब के पास आ रहे हैं। अभी हमन चाहतन कि हमारे खेल के सामान के सुरक्षा और हमारा एक्स्ट्रा जो खेल के सामान है, जो मेट है, गद्दा है और जो जिम विम के सामान है, वो अगर हमारा मिल जाए तो हमन एकर से बेहतर कर सकें। काबर की करेंट में अभी हमारे छत्तीसगढ़ ला पहली गोल्ड मेडल मिली से कुश्ती में, इस एकर से पहली मेडल ही नहीं रही, पहली गोल्ड मेडल अभी इस खेलो इंडिया में ओकर से भी पहली है इस। लेकिन सरकार प्रशासन कुछ ध्यान नहीं, ना कुछ मिल नहीं पैसा मान लो। हाँ सुविधा मिली तो इंटरनेशनल में भी मेडल लाऊँ, नेशनल के मेडल के आगाज हो चुके हैं और जे मन हमारे लड़का जो तैयार होते उमन भी बढ़ चढ़ के अगर सुविधा मिली तो मेडल आ सकते छत्तीसगढ़। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला महात्मा गांधी की मैं PTI हूँ और मेरे ये स्कूल में कुश्ती चलता है, वेट लिफ्टिंग चलता है, यहाँ पे अपना मार्शल आर्ट भी चलता है और पूरा संभाग का टूर्नामेंट ज़्यादा करके ही अपने महात्मा गांधी स्कूल में होता है। मगर वहाँ पर मेट है जो बच्चे लोग खुद मेहनत से ये खेल के दंगल खेल के वहाँ खरीदा गया है, उसको भी फाड़ दिया गया है, तो हमको नया मेट की व्यवस्था किया जाए। वहाँ का सामान धीरे धीरे चोरी हो रहा है, गेट चोरी हो गया तो उसको हम बाउंड्री चाह रहे हैं, सब चारों तरफ से बाउंड्री चाह रहे हैं तार से वो भी, और इसे ये बच्चे लोग अभाव में है, अभाव में रह के वहाँ पे मेडल ले रहे हैं बच्चे लोग। इसके मांग के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि पहले बार तो मैं रिपोर्ट लिखाई, FIR दर्ज करवाए, बच्चे लोग ही कराए कि हमारा सामान चोरी, ये मेट फाड़ दिया गया है, सामान चोरी हो रहेगा, कि फिर आज मैं यहाँ जन दर्शन में देने आई। लोग को बहुत यानी कि वहाँ सुविधा नहीं मिल पाता, कभी ये लाइट को तोड़ देते हैं तो कभी मेट को फाड़ दिया जाता है, कभी गेट को तोड़ देते हैं, कभी गायब वहाँ पे ये कर देते हैं पूरा जाके गोबर। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।